तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला, मुझे नहीं करनी तुम्हारे से शादी, मुझे नहीं करनी शादी। अरे शादी तू तो क्या, तेरा बाप भी करेगा, जा अभी, मैं तेरे को छोड़ने वाली नहीं हूँ, अभी आती हूँ मैं, अभी आती हूँ, रुक जा तू, रुक जा, तेरी तो अभी रुक, तेरी अभी मैं तेरे को बताती हूँ। अरे यजमान, अरे यजमान, अरे यजमान, मैंने तुम्हारे प्यारे करवाया, अरे यजमान, ओ मुर्मू है सुबह मेरी दक्षिणा, अरे यजमान, मुझे तो खाना भी नहीं मिला, अरे कहाँ गए, मैं मर जाऊंगा पर ये शादी नहीं करूंगा, अरे सात फेरों के जगह 14 फेरे निकलवाना, तो मेरा नाम भी पुष्पा नहीं शोले। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे पंडित की दक्षिणा देते जाओ, पाप लगेगा, सांप दे दूंगा, भस्म कर दूंगा, हाथ में बंद करूंगा, मुझे खाना नहीं मिला। अरे तुम 14 फेरे कर रही हो, मैं एक फेरा नहीं लेने वाला। अरे अरे इस जन्म भी मैंने तेरी शादी नहीं करवाई, मेरी बेटी से तो मेरा नाम बदल दियो, और बेटी तू पंडित के साथ शादी करेगा। सुना था, देखा था, लेकिन आज दूल्हा भाग रहा है। अरे क्या हुआ, अरे क्या हो गया, कौन क्या हुआ, बेटा मैंने भी कबड्डी खेली है और तेरे को पकड़ के नहीं देखा था, मेरा नाम भी पुष्पा नहीं, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। चल भाई, अरे मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, चलो कहाँ चलोगे, साथ नहीं रहूंगा, भाग जाऊंगा, नहर में कूद जाऊंगा, कुएं में पड़ जाऊंगा, सांस चढ़ गया, तो रुक जा तू, रुक जा मैं कह रही हूँ, कोई पकड़ो इसको, अरे कोई पकड़ो इसको, अरे आज पकड़ के मारेंगे, अरे गरीब ब्राह्मण का हक मार लिया, रुक जा, कहाँ जा रहे हो, क्या धर्म मचा रखा है तुम लोगों ने, एक एक को लट, अरे तू मेरे को पहले बता देता, तेरे को मेरी बेटी पसंद नहीं थी तो मैं तेरी शादी नहीं करवाती, हैं तू भागा क्यों मंडप से, तू भागा क्यों, इतने बड़े बड़े सपने दिखा के और लास्ट में तू मंडप से ही भाग गया। अरे यजमान मेरे पैसे, मेरी दक्षिणा, अरे मेरा प्रसाद तो देकर जाते। अरे तुम सब किस लिए भाग रहे हो, अरे ये क्या तमाशा बना रखा है, हमारा तो पंखा ही फाड़ दिया तुमने बजा बजा के, अरे सभी को गिरफ्तार कर लूं क्या, हाँ। मेरी बात सुनो, हाँ। अरे इसी की तो इंतजार में इतना, तू बात सुना मैं क्या बात है, सुनो तो सही, मम्मी की सुनो, मैंने आज तक सुना था फेरों से लड़कियां भागती हैं, मैंने सोचा फेरों से लड़के भागते हैं तब कैसा महसूस होता है, बस यही देखने के लिए भागा था मैं तो। अरे तूने अपने महसूस के चक्रों में हम सबका पागल बना दिया, तेरे को शर्म नहीं आई, अरे मैं गरीब निरीह, अरे मैं ब्राह्मण आदमी, तूने भगा भगा के मेरी सारी सांस फूल गई, मैं मर जाता तो कौन जिम्मेदार होता, पाप लगेगा तुझे। अरे सुन पंडित जी महाराज, जो लड़के ने किया है ना, आज एक समाज का बहुत अच्छा संदेश दिया है, क्योंकि जो भी हमारी बहन बेटियां हैं वो शादी से 2 दिन पहले 4 दिन पहले आए दिन अखबारों में हम सुनते हैं अपने प्रेमिके के साथ भाग जाती है। मैं उन बहनों और बेटियों को ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने माँ बाप के अरमानों पे ऐसे पानी मत फेरे, अगर उनको कोई लड़का पसंद है और वो प्यार करती हैं तो अपने माँ बाप से बात करें, ये पक्का डेफिनेटली है कि माँ बाप कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेंगे। अगर आपका होने वाला पति, होने वाला लड़का अगर अच्छा है,
अच्छे परिवार से है तो माँ बाप आपकी शादी जरूर करवाएंगे, लेकिन माँ बाप के खिलाफ कोई भी गलत कदम ना उठाएं। हमेशा परिवार की बातों का ध्यान रखें, अपनी इज्जत का और अपने समाज की इज्जत का ख्याल रखें। बिल्कुल सही कहा श्रीमान आपने। और मैं भी ये कहूँगा कि जब भी अगर कोई भी चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर वो लव मैरिज करना चाहता है तो लव मैरिज करने से पहले अपने माँ बाप को जरूर बताए, या फिर अपने माँ बाप के ही कहे अनुसार उनकी किसी भी जानकारी में शादी करे, ताकि कल को अगर लड़की को कोई दुख हो भी जाता है तो माँ बाप उसके घर जाके उसके परिवार वालों के साथ सुलह करके समझौता कर सके। ऐसा ना करे, प्यार करके आप घर से भाग जाए और शादी कर ले, और कोई बाद में लड़की को दुख हो जाए तो वहाँ माँ बाप आपका साथ देने के लिए नहीं खड़े हो पाएंगे, क्योंकि आपने शादी के समय उनकी बात नहीं मानी थी। मैं भी आपको एक बात कहूँगा, माँ बाप अपने बच्चों को कभी भी बुरा नहीं चाहते। अगर जैसे सर ने बताया, अगर लड़का काबिल है तो माँ बाप खुशी खुशी मान जाएंगे। लेकिन सभी बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा हाथ जोड़ के और मेरी टीम का सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी माँ बाप की पगड़ी को लात मार के कभी घर से ना भागे। और सर, अगर ऐसा कानून बन जाए तो हमारे जैसों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सही बात है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना। हरे कृष्णा।